हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप के अंदर ड्यूल लाइटनिंग इफेक्ट बनाना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जिस भी इमेज के ऊपर आपको लाइटनिंग इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, उस इमेज को फोटोशॉप के अंदर ओपन करने के बाद में आपको जाना है सिंपली उसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, देन यहाँ पे अप्लाई कर देना है ग्रेडियंट मैप को। दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर दोनों साइड से लाइट आ रही है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक साइड से रेड कलर को और दूसरे साइड से हम अप्लाई करेंगे सियान कलर को। हमें सिंपली इस वाले ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर देना है, देन हमको व्हाइट जो पोर्शन है इसका, व्हाइट पोर्शन को हमको बदल देना है रेड कलर के अंदर, देन ओके पे प्रेस करके इस वाले लेयर को बंद कर देना है। अब हमारी बारी है सियान कलर को अप्लाई करने की। सेम मेथड से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ग्रेडियंट मैप को, जिसके अंदर ये जो व्हाइट कलर है इसको ड्रैग करके हमको राइट साइड के अंदर लेकर जाना है, और ब्लैक वाला जो कलर है उसको ड्रैग करके हमको लेफ्ट साइड में लेकर जाना है, और इस वाले लेयर को, व्हाइट वाले लेयर को हमें कन्वर्ट कर देना है सियान कलर के अंदर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटर टोन यहाँ पे ले रहा हूँ, देन आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। दोनों भी लेयर्स को हम बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। देन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डल लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा इसके अंदर लाइट कम है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के अंदर इसको ठीक कर देंगे। देन आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और देखना है इस वाले कलर को, यहाँ पे आपको मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर देना है आपको, फ्लो आपके ऊपर डिपेंड कि कितना रख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे 40% का फ्लो रख रहा हूँ, ओपेसिटी आप 100% रख दीजिए। देन आप ब्रश को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ पे ब्रश को एडजस्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो मैं इतना साइज मेरे लिए रख रहा हूँ। और जूम करके आप देखिए किस साइड से लाइट यहाँ पे आ रही है, वहाँ पे आपको बस लाइट के ऊपर पेंट करना है ब्लैक कलर से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप भी कीजिए। आपको दूसरे कलर्स को छेड़ना नहीं है, बस आपको लाइट जहाँ से आ रही है उसी को आपको कलर करना है। तो गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा डल लग रहा है, तो हमें एक जो सियान कलर वाला ग्रेडियंट मैप था उसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है हमें। तो सिंपली मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर जाता हूँ और जो सियान कलर है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटर कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे मैं थोड़े से लेवल्स या कर्व्स में एडजस्ट करूँगा इसके थोड़े से। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद में हमें इमेज ये इस तरह से दिखेगी। तो गाइस, कर्व को एडजस्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो इमेज है ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी है एक लाइटनिंग इफेक्ट के अंदर। इसके ऊपर मैं एक रिंग वाला इफेक्ट डालना चाहता हूं, तो जो इमेजेस मैंने डाउनलोड किए थे उसको मैं फोटोशॉप के अंदर क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर आता हूं। सिंपली मैं इसका साइज एडजस्ट करूंगा यहाँ पे, जितना भी आपको साइज चाहिए आपके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। देन हमको इसको कन्वर्ट कर देना है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाके स्क्रीन के अंदर, क्योंकि हमें ब्राइटर इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको ब्राइट इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ स्क्रीन मोड को अप्लाई करके। देन आपको सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और दिस लेयर को जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शेड दिख रही है यहाँ पे, इस शेड को हमें एडजस्ट करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, देन इसको ऑल्ट प्रेस करके इस वाले नोड को ब्रेक कर देना है, और आप जैसे ही इसको ड्रैग करते हो तो देखिए इमेज जो है सॉफ्टवेयर होते चले जा रही है। इस तरह से अगर कोई इमेज आपको प्रॉब्लम दे रही है तो ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाके उसको एडजस्ट कर सकते हो। देन ओके पे हिट कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये इमेज मिल गई है। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी लाइट जो है हमने दिखाया कि यहाँ से राइट साइड से ऊपर से थोड़ी सी आ रही है, तो इसको एडजस्ट करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। देन मैं इन सभी लेयर्स को बंद करके यहाँ पे अपने मैनुअली जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट को करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। देन मैं सभी लेयर्स को यहाँ पे ओपन कर दूंगा और मैं सिंपली जाऊंगा इस वाले लेयर के ऊपर जो हमने नियॉन लाइट्स जो अप्लाई की है उसके ऊपर। सभी लेयर्स को ओपन करने के बाद में सिंपली मैं यहाँ से ब्रश टूल को ले लूंगा, देन यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि कितना ये इफेक्ट अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है हमारी इमेज के साथ में। कंट्रोल डी प्रेस करके आपको डिसलेक्ट करना है, देन हमको अप्लाई कर देना है इस वाले लेयर के ऊपर रेड वाला कलर और इस साइड के अंदर सियान वाला कलर। तो हमें सिंपली यहां से इस वाले जो ग्रेडियंट मैप है इनको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर को अप्लाई कर देना है यहाँ पे। देन हमको यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिपिंग मास्क को अप्लाई कर देना है।
अब जैसे कि हमने सियान ग्रेडियंट को कॉपी किया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मास्क करना पड़ेगा इसके कलर को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। देन मैं यहाँ पे रेड वाला ग्रेडियंट भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन सेम मेथड से मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क करूंगा और ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे मास्क के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। थोड़े से हम इसके ऊपर कर्व्स भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइज हमने कर्व को भी एडजस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट हमारे सामने यहाँ पे बनकर रेडी है। प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।